जो हमारे गवर्नमेंट का एक नया ऑर्डर आया है, इससे उर्दू स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम खोलने का ये ऑर्डर है। घर को आग लगी घर के चिराग से जो है, ऐसे हमारा माइनॉरिटी डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, यहाँ के ऑफिसर्स क्या गवर्नमेंट को रिकमेंड करना है क्या नहीं करना है समझते नहीं, एकदम हमारे माइनॉरिटी एंड अदर लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस जो एक कमिश्नर ऑफिस में डिपार्टमेंट है वहाँ पर उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, ये चार लैंग्वेजेस की वो एक ऑफिस है, वहाँ पर भी एक डायरेक्टर है। उस डायरेक्टरेट को इन्होंने रेकमेंड किया है कि उर्दू स्कूल्स में इंग्लिश शुरू करें, वो भी पहली जमात से पांचवी जमात तक। ये सरासर गलत है। क्यों बोले तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आवर फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी मादरी जबान में बच्चे को पांचवी जमात तक पढ़ाना है, एक ही जमात से पांचवी जमात तक। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है कि 1 to 5 स्टैंडर्ड ए चाइल्ड शुड लर्न इन हिज मदर टंग, तो अपनी मादरी जबान में पढ़ना है। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज जो भी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ पहले एक सर्वे करें फिर रेकमेंड करें। जहाँ पर बच्चे आबादी ज्यादा है जो जो स्कूलों में, वहाँ पर सैंक्शन कर दिए हैं। क्या ये खेल खेल रहे हैं क्या ये? 400 स्कूल्स, बेंगलुरु नॉर्थ में 15 स्कूल्स, बेंगलुरु साउथ में 15 स्कूल्स, बाकी के पूरे 370 स्कूल पूरी कर्नाटक पूरी रियासत में इन्होंने करके हैं। इसमें जितने भी मेजोरिटी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं। जहां पर स्कूल बंद हो रहे थे जहां पर बच्चे नहीं वहां क्यों नहीं किए? कितने उर्दू स्कूल बंद हो गए वहां पर ये चालू ये स्टार्ट करना था इंग्लिश मीडियम, मगर इन्होंने वहां पर नहीं किया, खाली फंड 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 बोलते हैं। फंड जब उर्दू स्कूल है यहाँ पर, इनका फंड वहां पर ही दो, फर्नीचर लाओ, फर्नीचर दो वहां पर। एक जैसा इन्होंने मौलाना आजाद स्कूल में फर्नीचर दिया है, ऐसे सारे स्कूल में फर्नीचर दो। तो हमारी ये क्या है डिमांड, 1 to 5 आप कुछ भी नहीं करना है, जो उर्दू मीडियम में चल रही है उर्दू मीडियम में ही चलने दो। 6th और 7th आप चाहे तो बाइलिंगुअल खोल सकते हैं, वहां पर इंग्लिश मीडियम आप चला सकते हैं 6th स्टैंडर्ड से। 1 to 5th आप किसी हालत से आप, हमारा फंडामेंटल राइट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम हमारा राइट है वो, तो 1 to 5th आप चाहे उर्दू मीडियम हो या चाहे कन्नड़ा मीडियम हो उनको डिस्टर्ब ना करें, मैं बस यही चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज से कि आगे अगर कोई भी आप प्रपोजल देते हैं या नई स्कीम्स की, तो आप पहले सर्वे करें, उर्दू दान से रब्ता करें, उनसे मीटिंग करें, उनसे आप सजेशंस लेके उसके बाद गवर्नमेंट को आपकी नई स्कीम हो या कुछ भी हो आप दें। सर, बेंगलुरु का टोटल पॉपुलेशन कितना है मुस्लिम्स का? 13% है। वो 13% में 8 to 9% मुसलमान अपने क्लास में बोलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। अब वो जो बच्चों नहीं तो 3-4% उस परसेंटेज में भी अगर जो बच्चे उर्दू में पढ़ रही वो भी 12 में 2 दिन या 3 दिन स्कूल पढ़ रही, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि जो इंग्लिश मीडियम उर्दू में मिक्स करना चाह रही ये बहुत अच्छी बात है। अगर लॉजिकली सोचे तो तुम्हें ये बहुत अच्छी बात, आपका जो सवाल है इसका सवाल मेरा जवाब क्या है इस सवाल का? आपने जो कह रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है इंग्लिश में, मगर इस ट्रेंड को देखकर मैं मोहतरमा ने बताया था आपको कि हम एक मेरी माँ को छोड़कर एक कोई अच्छी सी लेडी को देखकर उसको माँ नहीं बना, तो उर्दू में निकाल रहे हैं सब्जेक्ट रहता है उर्दू, बाकी के पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश में रहेंगे, और इसमें क्या होएगा? एम्प्लॉयमेंट मेन जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर पड़ेगा। और जिन्होंने ये कानून बनाया है क्या इनके बच्चे उनके लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं? सर, और एक ये है कि उनको इंग्लिश मीडियम के नाम से क्यों लाना चाहते हैं?
अगर वो बोलना ही चाहते हैं तो सेपरेट बिल्डिंग लेंगे, सेपरेट बिल्डिंग में खोल। हमारे मदर टंग को किसी कीमत पे छोड़ देते, हमारा सवाल ही हुआ क्या चाहे वो 13% हो 6% हो, हमारे मदर टंग को हमें छोड़ देनी। हमारी माँ गरीब है, इंग्लिश वाले की अम्मा जरा टिप टॉप में लिपस्टिक में ना दे तो उससे रख लेती, हमारी अम्मा बाहर भगाते नहीं, ऊपर टीचर बोला था वो की बात सेकेंडरी बात सिक्स सेवेंथ में तुम्हारा इंग्लिश एजुकेशन मिलता ही अगर उसकी छोटी उम्र में तुम्हें दो सब्जेक्ट लाए, इधर इंग्लिश लाए इधर उर्दू लाए, तो बच्चा उर्दू पढ़ने नहीं होता। मद्रासे और उर्दू गवर्नमेंट स्कूल का आदेश होगा जिन्हें मजबूर ही उन्नत सकते कॉन्वेंट में पढ़ाए थ्री थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाती, उसके बाद एडमिशन बनने नहीं होता चैकबोर्ड लगाती। हमारे बच्चे पंचना वाले को बोल रही हूँ वो बात हमारे बच्चे को नहीं होना, भले टोटल कर सकता है उर्दू में पढ़ा तो भी हिसाब डाल सकता है, कंप्यूटर चला सकता है, टेलरिंग सीख सकता है, इतने चीज है। गवर्नमेंट का जो फंड है ये गवर्नमेंट के बच्चे जो स्कूल में जा रहे गरीब बच्चे उनको तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करा चार घंटे जो है आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले जो है इसे पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के वास्ते एक इसके बाद बेंगलुरु शहर में नहीं सूबे कर्नाटक के अंदर जो है ना ये जो आर्ट जो पास हो रहा है इसे पहले स्टे कराना पड़ेगा। स्टे कराने के बाद जो है फर्दर प्रोसीडिंग जो है लीगल प्रोसीडिंग ओके जितना भी है जो मुद्दा उठाकर ये अलहमदुल्ला से ही है, लेकिन इसकी वजह से अगर ये सब इम्प्रूवमेंट होना बोलेगा तो ये सब जरूरत पूरा होना का तो पहले हमारे माशरे में हमें ये समझना है इंग्लिश इंग्लिश की तालीम से दुनिया जान सकती है, उर्दू की तालीम से अल्लाह को जान सकती है। जैसा कि एक कुरान शरीफ के मतलब को हदीस के मतलब को हमें जितना बेहतर उर्दू में हमारी मादर जबान में जान सकते हैं, जितना हमें अल्लाह की पहचान उर्दू से कर सकते हैं, हमारे अम्बिया की हमारी इस्लामी तारीख को हमें उर्दू में उर्दू से जान सकते हैं, वरना इंग्लिश में नहीं जा सकते। उसके अंदर समझने तक वो डिग्री उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट एडिशनल डिग्री करना पड़ता है, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। अगर एक एक इंग्लिश के माने से समझने का आता है छोटे से छोटा बच्चा भी बच्चे गोद से समझ लगा जाता है। तो जब तक हमारी कौम के मुसलमान ये नहीं समझते उर्दू जबान को इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक उर्दू स्कूल्स भी नहीं खुले होते, उन हजार को एडमिशन करेंगे उर्दू स्कूल्स में एडमिशन करेंगे कि हमारा हमारी तहजीब तमीज तहजीब हमारे बच्चे हमारे इस्लाम पर बरकरार रहना कर तो अगर हमारा माशरा समझा तो उर्दू स्कूल्स में एडमिशन करें तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। उर्दू जो पढ़ते हैं जो टीचर्स जो उनके अंदर डिग्रीज कर पाएंगे जो क्वालिफिकेशन उनकी एजुकेशन होगा उनकी ज़रूरत भी जरूरत है। जब हमारे मजहब के हमारे हमारे मुसलमान खुद उर्दू स्कूल्स में एडमिशन करने के वास्ते बैक मार रहे हैं इंग्लिश के पीछे हैं, इंग्लिश ज़रूरत है ज़िंदगी है हमारी ज़रूरत है आखिरत भी है। जब हमें अल्लाह को नहीं समझे उर्दू हमें इंग्लिश में रोमन इंग्लिश भी अगर पकड़ को हमें कुरान शरीफ को अगर समझना चाहे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना उर्दू में समझ में आता। छोटे बच्चे को गोद के बच्चे दो साल चार साल पाँच साल के बच्चे को जो हमारी जबान से समझाती है उन्हें समझ जाता है उतना तुम्हें एस एल सी पढ़ने वाले चाहे डिग्री करने वाले को तुम्हें इंग्लिश का कुरान का मतलब या हदीस का जो ट्रांसलेशन दिया अगर बोले तो कन्फ्यूजन होता फिर भी उन्हें जाता। तो हमें जब तक हमारे माशरे से इम्पोर्टेंस नहीं देते उर्दू हमारे बच्चे को हर बच्चे को हमारे घर के मदर टंग सीखना बोले तो अगर हमारे बच्चे को दीनदार बनाना हमें अल्लाह की तरफ भी आखिरत की तरफ भी मुतवज्जो करना दुनिया की बाकी नहीं करता उर्दू के ऊपर हमारे माँ बाप इम्पोर्टेंस देना है बच्चों को एडमिशन करना। जब बच्चों को एडमिशन करते तो टीचर्स भी अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है जब कौन भी अंग्रेजी नहीं कर सकता क्योंकि तो एजुकेशन पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा अगर बोलेगा तो कौन भी पॉलिसी को भी अंग्रेजी नहीं कर सकता।